नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 55 सीटों पर आज मतदान है। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम हैं सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइन यहां लगी हुई है। मतदाताओं में जोश है, वो वोटिंग करने के लिए यहाँ मतदान केंद्र पर पहुँच चुके हैं। हम यहाँ जो पहुँचे हैं, यहाँ पर कुछ मतदाता है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या रुझान है, क्या सोचकर वो यहाँ मतदान करने आए। आपका नाम? नवाब कुरैशी। नवाब जी, जी आप वोटिंग करने आए, क्या सोच के वोट करने आए? अपने वोट सोच के आए, हमने विकास के लिए आए। आप एक देखिए बुजुर्ग को किस तरीके से वोट डालने के लिए आए, एक बार इनसे पूछते हैं। भाजी आपका नाम क्या है? नसीर। वोट डाल दिया? जी। अच्छा, क्या सोचकर वोट डाला है? क्या सोचकर वोट डाला है? अच्छे के लिए। क्या सोचकर वोट डाला? बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप बताइए। मैं बेटा हूँ इनका। अच्छा, आप लड़के हो, क्या नाम है? मुजम्मिल नाम है जी। मुजम्मिल जी, आपने और इन्होंने वोट डाला है, क्या सोचकर? अच्छे के लिए डाला। क्या अच्छे के लिए? अब ज्यादा देर रुक नहीं सकते। युवाओं से बात करते हैं, वो उनको लिए हुए थे गोद में, तो वजन होता है, नहीं रुक सकते थे। भाई से बात करते हैं दोबारा। जी, विकास के लिए कर रहे हैं जी। कैसा विकास? विकास अच्छा हो, अपना कारोबार मिले, अपना कारोबार भी बंद पड़े हैं ना सारे। अच्छा, क्यों कारोबार कैसे, क्या हो बंद हो गया? बस मामला सर, जब से मामला बना लगा कुछ हो जाएगा साहब समका। नहीं, क्या क्या मामला बना है वो तो बताओ। बस जब से सरकार आई कुछ मामला बना नहीं। अच्छा, और सरकार तो कह रही है कि मैंने बहुत सारा काम कर दिया। कुछ नहीं करा जी, यहाँ तो नोटबंदी, लॉकडाउन में सब मामले निपटा पड़ा। अच्छा, अभी युवा हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम भैया? अमजद। अमजद जी, वोट डालने आए हो जी, क्या सोचकर आए हो वोट डालने? यो जो पार्ट यो चेंज हो जाए सरकार। अच्छा, क्यों क्यों चेंज करना चाहते हो जी? कारोबार बंद हो गए, बताओ कहाँ से लाए मजदूर आदमी कारोबार। सरकार तो कह रही है मैंने जो है राशन भी दे रही हूँ, पैसे भी दे रही हूँ और रोजगार भी दे रही हूँ। आप कह रहे हो कि कुछ नहीं? क्या दिया बताओ, राशन तो मिलता ही है, राशन तो किसी सरकार आ जाए जब भी मिलेगा, राशन तो मिलेगा ही। कारोबार तो बंद हो ही गए, कहाँ से करे बताओ? राशन राशन पे रह गए जी, किसे कर जाए वो कहाँ से देंगे बताओ? नहीं, सरकार तो बहुत सारे वादे अपने गिनवा रही है। सुबह भी मुख्यमंत्री जी जो है लाइव आए थे, उन्होंने बताया कि मैंने जो है इतनी सुरक्षा की है, इतने रोजगार दिए हैं, इतनी सड़कें बनवाई हैं जी, इतना करवाया उन्होंने जो कर्जे में पड़ी है सारी दुनिया। अच्छा, सब कर्जे में हो गए जी, जब कारोबार नहीं पे वो कर्जे में नहीं हो गए। अच्छा, क्या हो गया कारोबार को जी? बंद हो गए और क्या करे बताओ, जब है नहीं कुछ। अच्छा, आपका नाम? इकरार। इकरार जी, वोट डालने आए हो? हाँ जी। क्या सोचा है? बस सोचा ये है कि सरकार बदलें। अच्छा, क्यों बदलना चाहते हो? बदलना ये है, बस महंगाई हो गई है, तेल पे मतलब दाम बढ़ गए, और सिलेंडर पे और पेट्रोल पे। आप क्या कहना चाहोगे बड़े भैया? डालने। आप बता बाबू जी, क्या नाम है आपका? इरशाद है जी। हाँ जी, इरशाद। इरशाद जी, क्या सोच के वोट डालने आए हो, क्या माहौल? ज़्यादातर जो देखने को मिल रहा है वो सब युवा वर्ग हैं, जितने भी आप पीछे देखेंगे वो सब चेहरे जो है युवा नज़र आएंगे। नकुड़ विधानसभा वो विधानसभा है जो अपने आप में VIP मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो प्रत्याशी है पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, वो पहले BJP में थे, BJP को छोड़कर अब उन्होंने गठबंधन से प्रत्याशी है, और उनके सामने BJP के कैंडिडेट हैं, उनमें सीधी फाइट है। उसी को लेकर यहाँ की नकुड़ विधानसभा अपने आप में बहुत अहम मानी जाती है, उसी के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। क्या मतदाताओं में रुझान चल रहा है, क्या स्थिति है, उसी को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अमित शर्मा, सहारनपुर,